वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सूर्य, एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम सूर्य से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है। इसके अलावा हम ग्रहों के बारे में एक एक करके स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं ग्रहों से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम सूर्य से संबंधित कुछ तथ्यों को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिया गया है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय कितना होता है। आप ये तो जानते ही हैं सूर्य एक तारा है और ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। तो जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का। UPPCS ने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए अच्छे से याद कर लें। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी प्रश्न आ चुका है। एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी कहलाती है। तो जो खगोलीय दूरियां होती हैं, मतलब ग्रहों के जो बीच की दूरी है, उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, या फिर प्रकाश वर्ष इसकी यूनिट होती है, ऐसे याद कर लीजिए। तो प्रकाश वर्ष एक हिसाब से दूरी का मात्रक है, इतना याद कीजिए। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10^12 किलोमीटर होता है। ये भी एग्ज़ाम में, जो वन डे एग्ज़ाम है, रेलवे SSC ने ये प्रश्न पूछा है। इसके बाद सूर्य का व्यास कितना होता है, तो 139,200, ये इतने किलोमीटर में सूर्य का व्यास होता है। आयतन सूर्य का कितना है, पृथ्वी से लगभग 13,00,000 गुना बड़ा है सूर्य, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी से लगभग 332,000 गुना पृथ्वी से ये इसका द्रव्यमान है, ये भी चीज़ आप थोड़ा सा माइंड करें। ऐसे प्रश्न हालांकि कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन आपसे मतलब पूछे सकते हैं, या फिर पूछ लें निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ऐसे वाले प्रश्नों में आंकड़े दिए जा सकते हैं। तलीय गुरुत्व कितना है, पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व कितना है, 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन कैसा है, सूर्य का रासायनिक संगठन, सूर्य हाइड्रोजन हीलियम और अन्य तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। इसके बाद फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप कितना होता है, ये प्रश्न पूछा है बार बार, 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये चीज़ याद रखें। केंद्र का ताप कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मिलियन में है ये। सूर्य के धब्बों का ताप कितना है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊर्जा का उत्सर्जन, 1026 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है सूर्य। केंद्रीय दबाव कितना होता है, 1 अरब एटमोसफियर। घूर्णन अवधि सूर्य की कितनी है, 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष में। सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। और सामान्य तारे तक का संभावित जीवन काल कितना होता है, लगभग 10 बिलियन वर्ष होता है। एक पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई, 3.6 प्रकाश वर्ष। तो ये बस एक ऐसे बताया गया है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष, यानी कि पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट हो गई। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, तो न्यूनतम ये हो गई। अब क्या है, देखो सूर्य तो इस तरह, लेकिन ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो जब बिल्कुल पास आ जाती है सूर्य की पृथ्वी तो इतनी दूरी होती है, और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी से मध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये दूरियाँ भी पूछी जा सकती हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और तथ्यों को देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है, और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश वर्ष से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसे सौर ज्वाला कहा जाता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा
बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछा है और यूपीएससी को फॉलो कौन करता है, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, तो स्टेट पीसीएस में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। ये सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, ठीक है ना। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ये प्रश्न भी पूछ रखा है, एमबीबीएससी में भी प्रश्न बन चुका है, तो याद रखना है, ठीक है। यूपीएससी एमबीपीएससी सब ने ये प्रश्न पूछा है, तो इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, इतना याद रखिएगा। सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई दे उसको कोरोना कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पक्षाव और पक्षाविसरी बादलों के प्रति प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो सूर्य ग्रहण बनता है। मतलब पृथ्वी पर अब ग्रहण लग गया, बीच में चंद्रमा आ गया, क्योंकि अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचेगा, तो उसको सूर्य ग्रहण कह दिया। और इससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को होती है, न्यू मून डे के दिन यह अवस्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। और इस स्थिति में पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य की ओर होता है, चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है पूरी सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ नहीं दिखाई देता और यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। इसके बाद हीरक वलय क्या होते हैं, डायमंड रिंग्स होती हैं कुछ, इसका दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है और किसी भी स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 8 मिनट समय लगता है लगभग पृथ्वी को के मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो ये कुछ आपने टर्म्स यहाँ पर देखे और सूर्य से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा यहाँ पर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। इसके बाद अगला ग्रह है बुध, तो बुध के बारे में जानते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है ना। और ये लगभग 88 दिनों में, चूँकि नज़दीक है सूर्य के तो कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन भी नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है और परिमाण में यह पृथ्वी का 1/18 भाग होता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान हैं। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्विडोस की चमक अर्थात चाचुस द्युत निर्धारित करता है, ठीक है ना। जो परावर्तित प्रकाश में देखने पर पिंड का जो एल्विडो होता है वो उसकी चमक को निर्धारित करेगा। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, बिल्कुल नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, तो इसका एल्विडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्विडो 0.367 है जबकि बुध का 0.138 है, ठीक है ना। अब पास में है तो कम प्रकाश का परावर्तन होगा तो कम एल्विडो बनेगा, ये चीज़ देखें। तो यहाँ पर हमने बुध ग्रह के बारे में पढ़ा और सूर्य ग्रह के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमारे दो, एक आपका तारा सूर्य यानी कंप्लीट हो गया और बुध ग्रह। इसके बाद हमें बाकी के बचे 7 ग्रहों के बारे में एक करके पढ़ना है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बचे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर हमारी सारी PDF, हमारे सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।